हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, हम आपको आज फिफ्थ के SST पढ़ा रहे हैं। देखिए, फिफ्थ में आपने देखा था ग्लोब के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। देखिए, ग्लोब में था आपका क्या था, इसमें आपने ग्लोब इस पिक्चर को देखा था। क्या होता है ग्लोब जो है, बताया गया था आपको। आपके इसमें क्या था, पहले तो आपके बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जिस खोज की कि अर्थ के स्फीयर शेप में, इसमें आपका फर्दिना मैगलेन का भी नाम आता, जिन्होंने पूरा ट्रेवल करके लास्ट में एटलीस्ट उन्होंने ये बताया कि नहीं, अर्थ का राउंड जो स्फीयर है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने ये अपने ऊपर टॉप और बॉटम में थोड़ी सी फ्लैट है, चपटी है। तो देखिए, इसमें ग्लोब देखिए, ग्लोब जो हम जो आर्टिफिशियल ग्लोब जो देखते हैं, वो तरफ से एक तरफ से मॉडल है हमारे अर्थ का। क्योंकि अर्थ इतना वास्ट, इतना विशाल है कि हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए हम ग्लोब के माध्यम से अर्थ को देखते हैं। और इसमें देखिए, अर्थ का जो शेप इस तरह से होता है, गोल होता है, इसमें एक काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जो अर्थ के एक्सिस नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ऐड करती है। ठीक है, और क्या करता है इसमें, देखिए आपका जो ये लाइन जो होता है 23.5 डिग्री की झुकाव पे ये लाइन ऐसे खींची तिरछी खींची जाती है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अर्थ जो राउंड करता है, इसी राउंड की वजह से जो अर्थ जो कि चक्कर लगाता है अपने एक्सिस पे। ठीक है, देखिए अर्थ दो तरह से चक्कर लगाता है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमता है, एक ऑर्बिट पे घूमता है। जब एक्सिस पे अर्थ घूमता है तो क्या होता है, इसमें हमें डे एंड नाइट होता है, लेकिन जब ऑर्बिट में घूमता है तो हमारे सीजन चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका खास इसमें देखना है कि यहाँ पे टॉप और बॉटम, ये टॉप में नॉर्थ पोल रहता है, बॉटम में साउथ पोल रहता है, और ये दोनों पोल एक इमेजिनरी लाइन से जुड़े होते हैं, और ये लाइन जो होती है 23.5 डिग्री पे झुका होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे अर्थ पे ये सीजन जो होता है अलग अलग होता है, कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी आपका रेनी सीजन होता है। अब यहाँ देखिए, आगे फैक्ट वाइज में है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स इज द अर्डेफिल और अर्थ एपिल इज वॉज मेड बाई मार्टिन बेहम इन 1492। जॉर्ज ग्लॉकेंडन पेंटेड द मैप ऑन द अर्डेफिल। देखिए, यहाँ सबसे पहला जो ग्लोब बनाया गया था उसका नाम रखा गया था अर्डेफिल या अर्थ एपिल। ठीक है, और इसे बनाया था मार्टिन बेहम ने। ठीक है, मार्टिन बेहम ने बनाया था 1492 में, और इस ग्लोब पे जो पेंट किया हुआ था, ठीक है, इस पे अब यहाँ पे देखिए ग्लॉकेंडन ने इस पे पेंट किया था, मैप को दिखाया था। अब आगे देखिए, हम पढ़ेंगे ग्रीड। देखिए, मैं आपने जो फोर्स पे पढ़ा था कि जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहीं पे ग्रीड। ये जो यहाँ देखिए जो बन रहा है, ये सेक्शन जो बन रहा है, खाने दिख रहे हैं आपको बॉक्स टाइप में, ये ही ग्रीड कहलाते हैं। जहाँ पे आपस में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को कट करते, क्रॉस करते, वही जो बॉक्स बनता है उसे हम ग्रीड कहते हैं। ग्रीड इज ए नेटवर्क ऑफ सम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ। These lines help us to locate any place partially on any part of earth. These lines are known lines of latitude and longitude. अब देखिए, ग्रीड जो है क्या, एक तरह से एक जाल सा होता है, आपके काल्पनिक रेखाएं, ये रेखाएं आपकी क्षैतिज भी होती है और लंबवत। देखिए, ये जो ऐसी वाली जो रेखा होती है उसे हॉरिजेंटल कहते हैं, और ऐसी वाली जो रेखा होती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा ऐसी पड़ी होती है और लंबी वाली रेखा को वर्टिकल कहते हैं, लंबवत कहते हैं। इसी की लाइन क्या होती है, आपस में जो एक दूसरे को कट करती है, जाल सा बिछ जाता है, उसी को हम ग्रीड कहते हैं। और ये ग्रीड जो क्या करता है, हमारी मदद करता है किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को देखने पे, वो किस जगह है, उसकी अपने की लोकेशन क्या है, कितने डिग्री चांस पे, कितने डिग्री अंतर पे है, ये सारी चीजें हमें ये बताते हैं। और ये लाइन्स क्या करते हैं, हमें हमारे लाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से ये हमें लोकेशन को बताते हैं। अब आगे देखना है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द अर्थ आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, दे आर ऑल्सो नो एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर विच रन हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइडेड द अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, ऐसी जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड रेखा कहते हैं, और इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि
ये आपके इक्वेटर के बराबर ही रेखा होती है, यानी कि आपने देखा था इक्वेटर भूमध्य रेखा जो अर्थ के बीचों बीच खींची जाती है, जितनी भी लैटिट्यूड रेखाएं होती वो सारे इक्वेटर के बराबर होती है, विचरण जो हॉरिजेंटली चलती हैं और ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं। लेंथ ऑफ लैटिट्यूड आर न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फॉर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज ए प्लेस लोकेटेड। देखिए यहाँ पे जो लैटिट्यूड लाइन से होती है, एक तो क्या है आपकी न्यूमेरिकल मतलब अंकों में इसकी गणना की जाती है कि हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर, इक्वेटर के बाद कोई जगह है ये नॉर्थ और साउथ से कितनी दूर पे है, इक्वेटर से कितनी दूर पे, ये सब चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेजरिंग लैटिट्यूड एंड दैट इज वाई इट इज मार्क 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इक्वेटर रेखा, ये जो इक्वेटर रेखा है यहीं से आपके इधर जाते हैं तो नंबर काउंट इधर दिखने क्या होता है, ये आपका 0 डिग्री का होता है। अगर इसके नॉर्थ में जाते तो हमें नंबर काउंटिंग मिलती है, इसके साउथ में तो देखिए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 91, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23.2 होगा, 66.2 होगा, ऐसे इस तरह से आपकी काउंटिंग होती है। यहाँ पे दिया है ना ये 0 है, 30, 60, फिर 30, 60 यहाँ दिया हुआ, इस तरह से 90 दिया हुआ, इस तरह से ये काउंटिंग होती है। इक्वेटर रेखा को हम 0 डिग्री मानते हैं, इक्वेटर रेखा के बाद जितनी रेखाएं होती हैं उनकी काउंटिंग होती है। द नंबर ऑफ डिग्री विल बी ग्रेटर द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द प्लेस इज लोकेटेड लैटिट्यूड लोकेशन आर गिवन। यहाँ देखिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये नंबरों की संख्या बढ़ती चली जाती है और इक्वेटर के जितने करीब होगा उसकी संख्या उतनी ही कम होती है। अब देखिए यहाँ पे दिया है लैटिट्यूड लोकेशन आर गिवन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री नॉर्थ, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ 90 डिग्री साउथ, यहाँ देखिए 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है ना, यहाँ पे लिखना आपको ये फिल करना। अब यहाँ देखिए फैक्ट वाइज देखना है, द वर्ल्ड लैटिट्यूड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटस विच मीन वाइड, द वर्ड मेरिडियन ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडाइस विच मीन्स मिडी, इट इज फ्रॉम द मेरिडियन दैट वी गेट वर्ड्स सच एज एंटी मेरिडियन एएम मॉर्निंग मीनिंग बिफोर नून एंड पास्ट मेरिडियन पीएम मीनिंग आफ्टरनून। अब देखिए ये जो वर्ड है लैटिट्यूड वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ आपके एक लैटिन वर्ड लेटस से, ठीक है, लेटस से जिसका मतलब होता है वाइड यानी चौड़ा। द वर्ड मेरिडियन और जो मेरिडियन शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है लैटिन वर्ड मेरिडियस से जिसका मतलब क्या होता है मिडी मतलब बीच का होता है। इट इज फ्रॉम द मेरिडियन दैट बी गेट, इसलिए जो मेरिडियन लाइन होती है उसको हम वर्ड सच है उससे हम जानते हैं एंट मेरिडियन, देखिए एंट मेरिडियन जो है उसे हम एएम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर नून दोपहर के पहले का समय, एंड पोस्ट मेरिडियन जिसे कहते हैं हम लोग पीएम उसका मतलब होता है आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे पढ़ेंगे लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्या पढ़ेंगे इसका लाइन्स ऑफ, देखिए यहाँ पे आपको देखिए फिगर दिख रहा है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे ये देखिए ये जो रेखा है ये आपकी लैटिट्यूड रेखा और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है वो लॉन्गिट्यूड रेखा है, देखिए ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड ऐसे ये देखिए यहाँ पे देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का जबकि इसमें इक्वेटर 0 डिग्री का है, कि लैटिट्यूड लाइन में इक्वेटर 0 डिग्री का होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन में प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का होता है। और इसमें देखिए आपका इसमें देखिए ऐसे बढ़ती है, इसमें देखिए सीधे में नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है, इसके बीच की रेखा जो गिर गया इसमें ईस्ट से वेस्ट के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जाती है वो आपकी 0 डिग्री की रेखा होती है, ठीक है। यानी क्या देखिए आपका जो आपकी जो लैटिट्यूड है वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, जबकि मेरिडियन जो है वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि इक्वेटर टू पार्ट्स में डिवाइड करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ पोल हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन टू पार्ट्स में डिवाइड करती है आपका वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। और यहाँ भी देखिए देखिए 0 से 30, 60, 90, 120, 50, 180 50, 20, 90, 60, 30 इसके देखिए इसके आपके वेस्ट में जो काउंटिंग है और सेम ईस्ट में भी वैसी काउंटिंग है, इक्वेटर के जो नॉर्थ में काउंटिंग वही सेम साउथ में भी काउंटिंग है, ठीक है, ये आपका है। अब आगे देखिए पढ़ेंगे हम लोग लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड,
वर्टिकल लाइंस ऑन द अर्थ आर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड नो एज मेरिडियन. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ए वे टू मेजर हाउ फार ए लोकेशन इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. दिस लाइन रन्स वर्टिकली नॉर्थ एंड साउथ राइट ओवर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड. फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बिगेन द वर्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड. द प्राइम मेरिडियन इज नंबर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब देखिए जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ये लंबवत रेखाएं होती है, इस तरह से लंबवत रेखाएं होती हैं, वो आपकी लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाती है, जिसे हम मेरिडियन भी कहते हैं. और देखिए ये जो इसकी जो लॉन्गिट्यूड की जो मेजर होती है, ठीक है, इसकी जो मापा जाता है, इसे जो मेजर किया जाता है ना, या तो वो क्या होती है आपकी ईस्ट वेस्ट, यानी आपकी इस प्राइम मेरिडियन जितनी दूरी पे, आपकी जितनी दूरी पे होती है ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, वही क्या होती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है. और ये यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपका कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है. और ये क्या होती है, ये लाइन आपकी वर्टिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी लंबवत नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है. और यहाँ इसकी जो मेन, यानी इसकी जो मुख्य जो केंद्र मानी जाती है, वो है आपका ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड में है, वो आपका मेन लाइन होता है. और वहीं से हमारे समय की गणना की जाती है. बिगेन द वर्टिकल मिड स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में जो आपकी वर्टिकल पॉइंट जो स्टार्ट होती है लॉन्गिट्यूड की, वो प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियल रेखा से स्टार्ट होती है, जिसकी जो नाप होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानी जाती है. यानी लैटिट्यूड का इक्वेटर से स्टार्ट होता है और लॉन्गिट्यूड का प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होता है. टू मेजर लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट द प्राइम मेरिडियन देयर आर 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड 180 वर्टिकल लॉन्गिट्यूड लाइंस वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. सो लॉन्गिट्यूड लोकेशन आर गिवेन एज 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट. द 180 डिग्री लाइन इज सिंगल वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. रिमेंबर द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. यहाँ देखिए आपको अगर लॉन्गिट्यूड को मेजर करना है ईस्ट और वेस्ट के तरफ, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट से में आपको मेजर करना होता है. और ये क्या होती है, मेरे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आपका 180 डिग्री होता है और वेस्ट में भी 180 डिग्री आपकी वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं, ठीक है. और इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं आपके, इस तरह से इसकी जो लोकेशन होती है 180 डिग्री ईस्ट होती है, ईस्ट में 180 डिग्री होता है और वेस्ट में भी 180 डिग्री होता है, दोनों का सेम एक ही कंडीशन होता है. 180 डिग्री लाइंस, ये लाइन जो होती है सिंगल वर्टिकल लाइन होती है, सिंगल लंबवत, अकेली ये लंबवत रेखा होती है, अगर इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा भी कहते हैं. और ये डायरेक्टली ऑपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन की, प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट में ये होती है. और इसे क्या, इसे हमें याद कर रहना होता है, ये रिमेम्बर करना होता है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है. ये हमें याद रखना है, प्राइम मेरिडियन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू हेमिस्फेयर में, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. अब देखिए इसके बाद में पढ़ना है लोकेटिंग प्लेस ऑन ग्लोब. अब आप किस तरह से किसी भी जगह को अपने मैप ग्लोब में देखोगे. वी यूज द ग्रिड टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब. हम ग्रिड का यूज करते हैं अपने ग्लोब में किसी भी प्लेस की जगह को, की लोकेशन को देखने के लिए, स्थिति को देखने के लिए. टू लोकेट ए प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ इट्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट्स मेरिडियन और लैटिट्यूड. देखिए इसमें लिखते हैं टू लोकेट ए प्लेस, किसी जगह की स्थिति को देखने के लिए वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ इट्स पैरेलल और लैटिट्यूड एंड इट्स मेरिडियन लैटिट्यूड. इसमें देखिए क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड की लोकेशन को देखना है और आपकी मेरिडियन यानी लॉन्गिट्यूड की लोकेशन को. यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूड होना चाहिए था, ठीक है. तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पोजिशन को देखना है. द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर, वो जगह मतलब वो जिस जगह में होती है वहां पे हम देखते हैं कहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस करती है आपकी, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक दूसरे क्रॉस करती है,
ठीक है, ईच अदर द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, तो वो जगह उसी प्लेस में होती है। अभी यहाँ पे देखिए दिखाया, देखो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे एरो बना है, देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों इससे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे ये देखिए वेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो ये बना होगा ये डिग्री, उसी डिग्री ईस्ट वेस्ट पे वो मानी जाएगी आपकी। तो ये आपका चैप्टर ये खत्म हो गया, अब इसे बैक को आप घर पे पढ़ोगे, इसके बाद अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछोगे। ये आप एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करवाएंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट करके हम एक्सरसाइज भेजेंगे, आज इतना ही रहेगा, उसके बाद पीछे भी आप थॉरली रीड कर लोगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछोगे।